बचपन कितना अच्छा था ना कोई चिंता नहीं कोई ज़िम्मेदारी नहीं अपनी मन मर्जी से सारे काम कर रहे थे मन है तो भी कर रहे थे नहीं मन है तो भी चल रही थी लाइफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हैडेक नहीं थी लाइफ में लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सर पर और सारी जुम्मेदारियाँ आती हैं और हम लोग उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए एक बाध्य हो जाते हैं करना ही करना है आपकी तबीयत सही है आपका मन है कि नहीं है लेकिन फिर भी उन सारे कामों को करते ही रहना है तो ज़ुमेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है और ज़िम्मेदारी अपने आप में एक मोटिवेशन होती है सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक अगेन आई होप यू डूइंग वेल और आज है संडे और संडे का दिन थोड़ा सा लेजीनेस से भरा होता है तो वैसे भी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं बस एक दो दिन में स्कूल खुलने वाले हैं तो बैक टू रूटीन आने वाली हूँ और अभी संडे है तो संडे को थोड़ा सा लेट उठी हूँ और सारे काम लेट ही स्टार्ट हुए हैं बाकी मेरा क्लीनिंग वगैरह नहाना धोना सभी कुछ हो गया है बस अब भी पूजा करूँगी पूजा करने के बाद में बच्चों के लिए तैयार करूँगी नाश्ता और आज बच्चों का फरमाइश थी फरकाबाद की स्पेशल चाट बनती है पापड़ी चाट तो पापड़ी चाट बनाने का था लेकिन जल्दबाजी में थोड़ा सा लेट उठी तो पापड़ी तो नहीं बना पाई लेकिन बच्चों की जिद थी तो उनका मन भी रखना बहुत ज़रूरी था तो यहाँ पर मैं लग गई ये सारे बॉयल आलू हैं तो बॉयल आलू को अच्छे से मैंने कट कर लिया और पापड़ी तो मैं नहीं बना पाई लेकिन पापड़ी की जगह मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आलू के पापड़ तो ये पापड़ी चाट जो है ना फरकाबाद में बहुत फेमस है और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है बच्चों को और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है अभी हम लोग फरकाबाद गए थे तो जितने दिन वहाँ रुके थे पापड़ी चाट हम लोगों ने खाई थी और उधर लास्ट में ना होली एक दो दिन पड़ गई तो होली में तो जानते हैं ना आप लोग सारे दुकानें बंद रहती हैं कोई भी आज ठेले वाला या कुछ भी मार्केट भी नहीं खुली रहती है तो उधर दो तीन दिन नहीं हम लोग खा पाए लेकिन जब पहले से हम लोग गए थे तो पहले से हम लोगों ने पापड़ी चाट काफ़ी इन्जॉय किया तो बच्चों का मन था तो वही मैं आज यहाँ पर बना रही हूँ वैसे तो पूरा ऑथेंटिक तरीका है इसका पापड़ी बनती है सूजी और आटे की उससे लेकिन वो नहीं बना भाई तो आलू के पापड़ का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ तो बॉयल आलू ले लिया है छोले के चने ले लिए हैं उसमें मैंने इमली का जूस डाल लिया है क्योंकि मुझे बनानी थी चटनी तो मैंने उसका पल्प रेडी कर लिया था वो डाल दिया है दही डाल दिया है और सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैंने प्याज चॉप करके डाल लिया और बाय द वे ये चॉपर मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसे सारे काम बहुत इजी भी हो जाते हैं और जो भी इस से जो चॉपिंग होती है बहुत इवनली चॉपिंग होती है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है टमाटर ले लिया हरा धनिया ले लिया है आप चाहे तो हरा हरी मिर्च भी ले सकते हैं और नमक डाल लिया है और जो बेसिक मसाले होते हैं मतलब बेसिक मसाले में थोड़ा सा चाट मसाला गरम मसाला काली मिर्च का पाउडर लाल नमक सफ़ेद नमक ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड करे हैं और ये जीरा का पाउडर है भुना जीरा का वो मैं अपने पास रखती हूँ इसका भी फ्लेवर अच्छा आता है तो वो डाल दिया है मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है तो यही सारे मसाले मैं डाल कर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मेरे पास नींबू नहीं था तो नींबू की जगह मैंने इमली का पल्प अच्छी क्वांटिटी में यूज़ किया है तो थोड़ा तीखा खट्टा ऐसा इसका स्वाद आता है और यहाँ पर मैं भूज रही हूँ आलू के पापड़ आलू के पापड़ मैं फरकाबाद से बना के लाई थी काफ़ी सारे बना कर लाई थी और क्योंकि वहाँ खेत है तो आलू होते हैं तो वहीं से मैंने बना लिया था और अब भी मतलब या और वहाँ पे ना मुझे कुछ सूट करने का टाइम ही नहीं मिला टाइम क्या एक्चुअली मैं वहाँ सूट करना चाहती भी नहीं थी क्योंकि ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो मैंने नहीं सूट किया यहाँ पर कुछ तो वही आलू के पापड़ मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत अच्छी आप ट्राई करिएगा कभी हो सकेगा तो मैं ऑथेंटिक तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से पापड़ी चाट बनाते हैं अब भी तो फिलहाल पापड़ की हेल्प से पापड़ी चाट मैं बना रही हूँ और बहुत ही अच्छी बनी थी बहुत ही मज़ा आया था इसे खा के बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ये पापड़ से मैंने बनाया है और पूरा वही टेस्ट आ रहा था क्योंकि बेस बेस जो होता है ना वो आलू का ही रहता है और आलू का बेस अगर तैयार अच्छे से हो जाए तो फिर पापड़ का भी काम पापड़ी ने कर दिया था सॉरी पापड़ी का काम पापड़ ने कर दिया था तो ये रही हमारी आलू की पापड़ी चाट और ये मतलब आप समझिए अगर कहीं फरकाबाद में आप लोग गए होंगे ना तो आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर एंजॉय करा होगा पापड़ी चाट को बहुत ही फेमस चाट है वहाँ की तो यहाँ पर हम लोगों का नाश्ता हो गया था और उसकी बारी बाद बारी आती है किचन समेटने की क्योंकि नाश कुता जो भी बनाओ किचन काफ़ी फैल जाता है और कुछ इस तरीके के आइटम बनाओ तो किचन की तो पूरी वाट लग जाती है तो उसके पहले मैं करूँ खाना बनाने से पहले मैं करूँगी किचन की अच्छे से सफाई प्लेटफार्म बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दूंगी गैस मैंने साफ़ कर दिया अभी मैंने दाल चावल ये सारी चीज़ें भिगो कर रखी थी तैयारी मैंने पहले ही कर दी थी नहाने से पहले मैं सारी खाने की तैयारी कर देती हूँ ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर देती हूँ ये मेरा मतलब एक नियम है आदत बन गई है इस चीज़ की और इस चीज़ से बहुत हेल्प मिलती है तो दाल चावल मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और दही वाली भिंडी मैं बनाने जा रही हूँ तो भिंडी भी मैंने कट करके रख दी थी प्याज भी रख दिया था बस इसे चॉपर से अच्छे से चॉप कर लूँगी और अपनी बनाती हैं सब्जी तो यहाँ सब्जी बनाने दही वाली भिंडी बनाने के लिए मैंने दो चम्मच बड़े दो चम्मच दही ले लिया है थोड़ा खट्टा दही है और इसे अच्छे से स्पून की हेल्प से फेट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए और जब भी इसे गरम कढ़ाई वगैरह में डालेंगे तो दही जब फिट जाता है अच्छे से तो फिर फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आपसे स्पून में नहीं फिट रहा स्पून से नहीं फिट रहा है तो आप मिक्सी से भी इसे ग्राइंडर में चला कर भी फेट सकते हैं और इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने कुछ बेसिक मसाले और एक साइड में रख दिया है तब तक ये कटी हुई भिंडियों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा ये फ्राई हो हो जाती हैं तो इसका स्वाद और अच्छा आता है अगर आप मेरे वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो यहाँ पर मेरी भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और अभी देखिए मेरे दूध भी बा, हो रहा है चावल बन चुके हैं मेरे मैंने मेरे, मेरे तो ये इमली का पल्प मैंने चढ़ा दिया है दाल भी मेरी बन गई है तो यहाँ फटाफट सब्जी बनाती हूँ मैंने जीरा ले लिया है कढ़ाई में प्याज डाल लिया है चॉप किया हुआ हरी मिर्च मैं डाल दूँगी और अच्छे से इसे भून लूँगी थोड़ा सा और आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं लहसुन मुझे कम पसंद आता है मेरे घर में कम खाया जाता है तो मैंने सिर्फ यहाँ पर अदरक का पेस्ट डाला है थोड़ा सा मैंने कलर के लिए कसू सॉरी वो कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है तो थोड़ा सा इसका कलर अच्छा आ जाता है इससे और इसमें तीखापन ज़्यादा होता नहीं है तो मैंने एक चम्मच भर के ऐड कर दिया था गैस ऑफ करके हाँ गैस ऑफ करके प्याज को बिल्कुल ठंडा करके कढ़ाई को फिर मैंने दही इसमें डाल दिया है जो मैंने घोल के रखा था और इसको रेगुलर मैं चलाती रहूँगी इवन एक दो मिनट तक बराबर मैं चलाती रहूँगी फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं गैस को ऑन करूँगी गैस को ऑफ कर देना आप और बर्तन को जिस बर्तन में आप पका रहे हैं चीज़ें उसको अगर ठंडा थोड़ा सा कर दें तो आपका दही कभी भी नहीं फटता है आप चाहे कैसी भी चीज़ें कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो तो दही को इस तरीके से अगर आप ऐड करें तो आपका दही बिल्कुल नहीं फटेगा तो लास्ट में मैंने यहाँ पर डाल दिया है नमक क्योंकि नमक से भी दही फट जाता है तो सारा कुछ हो जाने के बाद में ही मैंने यहाँ पर नमक ऐड करा है अब इसे अच्छे से मिक्स दे देंगे मिक्स करके आप इसे ढक के हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक आपकी भिंडी सॉफ्ट नहीं हो जाती है साइड में और भी सारे काम कर लिए थे मैंने ये रेगुलर मतलब कंटिन्यू मैं किचन में खड़ी रही हूँ अगर लगातार आपकी तैयारी पहले से हो और लगातार आप आ, काम करें ना किचन में खड़े होने के बाद में तो आपका खाना बहुत जल्दी बन जाता है यहाँ मेरी सब्जी भी हो गई थी फिर उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में प्याज से मैंने दाल को फ्राई किया है प्याज थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाल दिया है और हरी मिर्च और थोड़ा धनिया तो यहाँ दाल भी फ्राई हो गई थी राइस भी बन गया और इमली की चटनी भी बन के मेरी तैयार हो गई है और अभी मैं बना रही हूँ फटाफट रोटियाँ तो ये सारे काम लगातार अगर आप करें बिना रुके हुए और तैयारी अगर आप पहले से कर लें तो काफ़ी आसान हो जाता है खाना बनाने में और चाहे आप को कोई सी भी रेसिपी उस समय बनाएं बस मेन होता है तैयारी करना तैयारी अगर पहले से हो तो काम करने में टाइम नहीं लगता है तो गर्मा गर्म यहाँ रोटियाँ तैयार हो रही थी सभी को मैंने आवाज़ लगा दी थी लंच करने के लिए और इस समय समय हो गया था डेढ़ पौने दो के आसपास हो गया था और काफ़ी सारा इस समय छुट्टियां चल रही है ना तो छुट्टियों की वजह से थोड़ा लेट भी उठता है और पूरा रूटीन डिस्टर्ब हुआ है बच्चों के जब स्कूल खुल जाएंगे तभी मैं अपने बैक टू रूटीन आ जाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है जिनके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा माओं का यही हाल होगा कि जब तक बच्चे का स्कूल प्रॉपर नहीं खुलता है तो उनका भी रूटीन गड़बड़ रहता है तो ये लग गई मेरी आज की थाली और लंच वंच करने के बाद में हम लोग आ गए थे मार्केट क्योंकि बड़ी वाली बेटी का है बर्थडे और मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे आ रहा है तो बच्चे उनके लिए भी कुछ शॉपिंग करना चाहते थे गिफ्ट देना चाहते थे अपने पापा को तो कुछ शॉपिंग करूँगी और ये शॉपिंग मैं दिखाऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय